आज मैं बात करूंगा, जब चाची ने अपने जीवन की गवाही को बांटा, पता है मैं उनके शब्दों को सुन रहा था, उसमें कई बार एक बात आई, नेगेटिव पॉजिटिव। हालेलुया। आज पता है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, हमारे कानों को नेगेटिव सुनना पसंद है। हालेलुया। मालूम है क्यों? कोई नहीं चाहता कि किसी के कोविड की रिपोर्ट के विषय में बात हो तो मुंह से पॉजिटिव निकल आए, सुनने में नेगेटिव अच्छा लगता है। हालेलुया। पर आज जब मैं इन शब्दों को सुन रहा था तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा प्रभु मेरा वचन इसके लिए तैयार नहीं है, पर मैं चाहता हूं आज आप बात करें अपने लोगों से, मैं इस पे कुछ बातों को बांटना चाहता हूं, कुछ चीजों को मैं शेयर करना चाहता हूं। प्रयोग आज हम देखते हैं नकारात्मक बातों को जब अपने चारों ओर, तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि उसका एक पॉजिटिव हिस्सा हमेशा हमारे पास रहता है, हमारे पास सदैव कुछ अच्छा कहने के लिए होगा। कितने लोग एग्री करते हैं? चाहे हालात कितने भी खराब हों, बद से बदतर कंडीशन में पहुंच गए हों, पर कितने लोगों ने ये कहते हुए सुना कि फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सही है। हालेलुया। यानी कि प्रभु ने हमारे भीतर पहले से ऐसा कुछ रखा है कि परिस्थितियां खराब से खराब हो, बद से बदतर हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक बात हमारे हृदय में रहती है। पर कई लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक बात को बोल नहीं पाते, और प्रभु आज जब हमसे बात करने जा रहे हैं तो मैं एक बात शेयर करूंगा प्रियो, कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक होना अवश्य है। जितना ज्यादा हम सकारात्मक रहेंगे, जितना ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना अधिक हम अपनी खराब से खराब परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। सिस्टर ने टेस्टिमनी दी, उन्होंने कहा कि अंकल भले ही सब लोग कह रहे थे कि ऐसा है, उन्होंने एक बार कही मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल भला चंगा हूं, मुझे क्यों यहां पे लेके आ रहे हो। हालेलुया। उनके भीतर से एक पॉजिटिव बात निकली। पता है ये बात कहां से आती है? यहोवा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जो हमारी सारी नकारात्मक चीजों को देखने के बाद भी एक बात को कहना हमें सिखाते हैं, और वो है कि तुझे सकारात्मक बात कहनी है। ठीक है, बीमारी है, तकलीफ है, परिस्थितियां खराब है, बोलो कुछ अच्छा बोलो। पता है ये आरंभ से है, ये बिल्कुल शुरुआत से है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो मेरी बाइबल में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, है ना, और उसके आगे ही दूसरे पद में लिखा है पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा। हाँ, जब आप और किसी वर्जन में पढ़ेंगे तो लिखा है आरंभ में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मैं जब से कह सकता हूं प्रियो, आरंभ में हो सकता है आपका जीवन बेडौल हो सकता है आरंभ में सुनसानपन हो सकता है आरंभ में अंधियारा हो, पर क्या परमेश्वर ने उस समय में ऐसे ही छोड़ दिया? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने ऐसे ही रहने दिया? ठीक है, बेडोल है, सुनसान है, अंधियारा है, रहने दो। पर पता है परमेश्वर ने एक बात कही, और वो उसका दूसरा भाग था जो प्रभु ने बोला। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो।
हालेलुया। और यही परमेश्वर का आत्मा जिसने उस सारी नकारात्मक बातों के बीच में एक सकारात्मक बात बोली, वही परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर पाया जाता है और वही हमें एनकरेज करता है, एनकरेज करता है। यदि घर का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो तुरंत सारी परिस्थितियां अलग अलग दिखती हैं। तकलीफ है, बीमारी हो गई है, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं कोई आके ये कहता है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, प्रभु सबको सुधार देंगे। हालेलुया। आज प्रभु इसी बात को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। प्रिय, कुछ आपके पास हो या ना हो, नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में, नकारात्मक हालातों के बीच में, नकारात्मक और सुनसान बेटौल स्थिति के बीच में भी, पर आपके पास एक शब्द ऐसा है जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है, और वो है एक पॉजिटिव वर्ड जो हर अंधियारे को मिटा देता है, हर सुनसान को दूर, सुनसानपन को दूर कर देता है, हर बेटौलपन को दूर कर देता है। पर हमें उसे बोलने की आवश्यकता, हमें उसे कहने की अपने जीवन से आवश्यकता है। और जब आप उस बात को बोलेंगे, आप देखेंगे आपका सारा भार चला जाएगा। आज पता है ये पृथ्वी एक कोई और नहीं है। अगर प्रकाशन की रीति पे बात करूं, ये पृथ्वी मैं और आप है। जो आरंभ में भले ही बेडोल थी, आरंभ में जिसका कोई आकार नहीं था, सुनसान थी, अंधियारे में थी, लेकिन परमेश्वर ने उजियाला भेज दिया। हालेलुया। उसने उजियाला भेज दिया। मालूम है कौन है वो उजियाला? बाइबल बताती है, परमेश्वर के विषय में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यीशु जगत की ज्योति है, वो उजियाला है। आपकी परिस्थितियों के खराब समय में, आपके बेडौलपन के समय में, वो उजियाला सदैव आपके भीतर रहता है, हमेशा वो आपके भीतर है और आपको एनकरेज करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत सारी बातों के बीच में भी आज आपको एक सकारात्मक चीज की ओर दृष्टि करनी होगी। कुछ भी आपको खराब दिख रहा हो, आरंभ खराब है। यूसुफ का आरंभ अच्छा था? दाऊद का आरंभ अच्छा था? मुझे बताइए, जब उन्होंने अपने अभिषेक में बढ़ने की कोशिश करी, जब वो अभिषेक की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या उनका आरंभ आसान था? पता है दाऊद को भी लगता होगा बिडोलपन, यूसुफ को भी लगता होगा बिडोलपन, सुनसानपन, सब कुछ अंधियारा, लेकिन उसके बाद भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनके जीवन को उजियाला दे दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन में उजियाला कर दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है भाई के लिए अभी गवाही दी गई, 3 साल पहले तक उसके परिवार को, या अभी तक कुछ हफ्ते पहले तक ये लगता होगा कि अब कुछ नहीं है, अंधियारा है, सब कुछ करके देख लिया, पर पता है वो ज्योति प्रकट हुई, वो ज्योति आई और परमेश्वर ने उस ज्योति में, उस ज्योति के द्वारा इस भाई को आजाद किया। हालेलुया। मैं इस बात की घोषणा करता हूं। सिस्टर लास्ट टाइम भी बहुत परेशान थी, मैं कहता था आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मालूम है बेटा हील हो रहा है, बेटा चंगा हो रहा है। सिस्टर कह रही मुझे गाड़ी कौन चला के लेके जाएगा। हालेलुया। पर मैं एक बात कहता हूं प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सकारात्मक हो। अब नकारात्मक बातें आज भले ही सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जो सकारात्मक पॉइंट आपके पास है, आप उसे थामे रहें। जब उस सकारात्मक बात को आप थामे रहेंगे अपने जीवन में, तो पता है आप बड़े मिरेकल को देखेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप देखने पाएंगे। और बाइबल इस बात को बताती है, मालूम है, मेरे लिए निकालिएगा 2 राजा उसका 4 अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 4, 2 राजा उसका 4 अध्याय पढ़िएगा बहन इसे। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। पता है एक ऐसी स्थिति है, एक स्त्री है
जो विधवा है और वो एलीशा की जो परमेश्वर का दास है, प्रॉफिट है, उसकी दुहाई देकर कह रही है तेरा दास मेरा पति मर गया। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वे आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे क्या पूछा, पूछिए एलीशा ने क्या कहा। एलीशा ने कहा मुझे बता तेरा कर्जा कितना है। एलीशा ने उससे कहा मुझे बता कि मैं कैसे चुकाऊं, है ना। एलीशा ने उससे एक बात पूछी। वचन कहता है एलीशा ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। आज परिस्थिति इसकी खराब है, बच्चे कर्जे में डूबे, परिवार कर्जे में डूबा हुआ है, सब कुछ बेडौल दिख रहा है, सब कुछ सुनसान दिख रहा है, और वो एलीशा की दुहाई भी दे रही है। और पता है एलीशा क्या कह रहा है, एलीशा कह रहा है मुझे बता तेरे घर में क्या है। पता है वो उसे इस बात की ओर केंद्रित करना चाह रहा था, आज तुम्हें सब कुछ बुरा दिख रहा है, सब कुछ नकारात्मक दिख रहा है, मुझे बता तेरे पास पॉजिटिव क्या है, मुझे बता तेरे घर में क्या है, आपके जीवनों में आज शाम में क्या है। परिस्थिति भयानक है, स्थितियां भयानक है, घर में बीमारियों का डेरा हो गया है, घर में तंगहाली आ गई है, सब कुछ भयानक है। पता है परमेश्वर आपसे पूछता है कि आपके घर में क्या है। हालेलुया। आपके जीवन में क्या है, कहां है वो छुपी हुई बात, कहां है वो सकारात्मक बात जो तुझे कहनी है। और पता है एलीशा ने इस बात को बोला, एलीशा ने कहा मुझे बता तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। उसने कहा, पढ़िएगा बहन, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है। सब कुछ नकारात्मक था, बस एक ही बात पॉजिटिव थी कि अभी भी कुछ शेष है, अभी भी कुछ बचा हुआ है, भले ही वो थोड़ा सा है, भले ही वो कम है, पर अभी भी थोड़ा तो है। और उसने उसे उस विश्वास तक पहुंचा दिया। हालेलुया। उसने कहा मुझे बता दे क्या तेरे पास क्या है, सब कुछ तू देख रही है नकारात्मक है, पर कुछ ऐसा है जो सकारात्मक है, कुछ ऐसा है जो अभी भी बाकी है। प्रियो जब आपको दिखाई दे कि सब कुछ बेकार हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया, उस समय अपने जीवन को, अपने घर में, ये आपका जीवन है, इसमें जांचिएगा आपके भीतर क्या है, आपके भीतर क्या बाकी रह गया, कौन सी ऐसी बात है जो आप कह सकते हैं। कोई बीमार आपके घर में पड़ा है, आपको लग रहा है मृत्यु की शैया पे पहुंच गया है, अब मरने वाला है, तो अपने जीवन को झांक के देखिएगा अभी क्या बाकी रह गया। पता है जैसे आप टटोलना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा विश्वास जरूर नजर आएगा, जो आपसे ये कह रहा होगा यीशु मृतकों को जिला देता है, यीशु मरे हुए को जिला देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा मेरे घर में थोड़ी से एक हांडी में तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पता है एलीशा ने जो काम किया, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला और थोड़े बर्तन ना लाना। आगे लिखा है फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वे उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उडेलती गई। हालेलुया। पता है इस स्त्री को बस इतना सा काम करना था, इसे उस सकारात्मक बात को प्रभु के दास के सामने लेके आना था और बाकी काम प्रभु के दास ने करा। आज हो सकता है आप भी देख नहीं पा रहे अपनी सकारात्मक परिस्थिति को, सब कुछ नकारात्मक दिखाई दे रहा है और शैतान आपको वही दिखा रहा है, बार 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 दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर जो दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा कहलवा दिया तेरे पास क्या है, वही परमेश्वर आज आपके जीवन के लिए कहना चाहते हैं तेरे पास क्या है। ढूंढ ले उस सकारात्मक बात को और जैसे ही तू वो करेगी, तू वो करेगा, परमेश्वर मिरेकल करेंगे। हालेलुया। प्रभु अद्भुत काम करेंगे। कुछ भी थोड़ा सा बाकी है आपको उससे कह देना है, प्रभु से कह दीजिए। उसने दास से कह दिया, आपको प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे पास ये है और मैं जानती हूं आप ये कर सकते हैं। उसने प्रतीति करी, द्वार बंद करे और तेल को उडेलना आरंभ किया। हालेलुया। पता है उसे पता था
उसे अंत तक इस बात का भरोसा था। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आपको यह बात पता थी काउंटिंग में कि उसके पास कितना तेल है, उसके पास एक हांडी में तेल था, उसे यह बात पता होगी हांडी में कितना तेल होता है, फिर भी उसने दास की प्रतीति करी, उसने उसे ओडेलना शुरू किया। हालेलुया, उसने ओडेलना शुरू किया और इतने बर्तन भर गए, इतने बर्तन भर गए, उसने कर्जा निपटा दिया और उसका घराना बरकतों में बढ़ता चला गया। हालेलुया, आपके पास जो थोड़ा सा बचा हुआ है ना, जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, उसे उडेलना शुरू कर दीजिएगा, आज से उडेलना शुरू करिएगा। मैं आपसे कह सकता हूं विश्वास के साथ कि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक तंगाली को, हर एक बदहाली को, हर एक जीवन की उन नकारात्मक बातों को दूर कर देगा। हालेलुया, और आप बहुतायत के आशीषों में बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा ही तो था हांडी का तेल, और कितना हो गया, इतने बर्तन भर गए कि बर्तन बचा नहीं। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसने दास की प्रतीति करी और उसने उस वचन को पाकर उसे देखना आरंभ किया, उसने देखना आरंभ किया। आपको क्या लगता है, जब वो उडेल रही होगी बर्तन में तो वो क्या कर रही होगी, क्या हो गई, वो देखती होगी, बार बार उसके दिमाग में आता होगा ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, है ना। दो तीन बार उसने जरूर सोचा होगा, लेकिन उसके बाद उसका विश्वास बढ़ गया होगा और उसने कहा होगा और बर्तन लाओ, और लाओ, मुझे पता है प्रभु के दास ने बोल दिया है, ये जो सकारात्मक था अभी ये बढ़ता चला जाएगा, ये जो सकारात्मक था अब ये ठहरेगा नहीं, अभी ये उन्नत होता चला जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और मेरे जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, और वैसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। प्रभु में उसने जरा सी छोटी सी बात को लिया, अविश्वास किया, प्रतीति करी और उडेल दिया। आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। आपके घरानों के बीच में जब आपको दिखाई दे कि अब सब कुछ बेडौल हो रहा है, सब कुछ सुनसान हो रहा है, सब कुछ नकारात्मक है, अंधियारा ही अंधियारा है, देखिएगा उस समय कौन सी ऐसी बात है जो आपके हृदय में विराजमान है, जो आप कह सकते हैं, जो आप बोल सकते हैं, और उसे ही उडेलना शुरू करेगा। आप एक बार बोलेंगे यीशु मसीह मृतों को जिलाता है, अब दो बार बोलेंगे, अब तीन बार बोलेंगे, चार बार बोलेंगे, और ये बोलते 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 आपका विश्वास ऐसा हो जाएगा कि आप बीमार के ऊपर हाथ रख के कहेंगे यीशु के नाम से उठ जा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। उडेलना आरंभ करें, उडेलना आरंभ करें। आज प्रभु चाहता है आप सकारात्मक हो, उसे खोजिए अपने हृदय में प्रियो। क्यों अपने जीवनों को नाश करते हैं, दिन भर नकारात्मक बातें, दिन भर बुरी बातें। यीशु मसीह ने नहीं सुना, अगर उसे सुननी होती तो वो पता है यायर की बेटी को जो मर गई थी उसे जिलाने नहीं जाता। वचन बताता है, बाइबल बताती है प्रियो, कि जब यायर उसके पास पहुंचा तो पता है लोग कहने लगे, गुरु को दुख क्यों दे रहा है, गुरु को दुख क्यों दे रहा है, तेरी बेटी मर चुकी है। पता है उसने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा, उसने वचन में लिखा है, उसने उन बात को अनसुना कर दिया। हालेलुया, उसने अनसुना कर दिया, उसने सुनना भी पसंद नहीं किया क्योंकि वो नकारात्मक था, पर उसने वो बोला, उसने कहा परेशान मत हो, विश्वास रख, मुझे अपने घर के भीतर ले चल। हालेलुया, हालेलुया। आशाम प्रियो, मत ध्यान दीजिए नकारात्मक बातों पे, मत केंद्रित होइए उन बातों की ओर जो आपको परेशान कर रही है। ढूंढिए आज अपने जीवन में कि प्रभु ने आपके हृदय में क्या रखा है, कौन सी ऐसी बात है जो आप विश्वास की आत्मा से बोल सकते हैं, कौन सी ऐसी बात है, परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है, विश्वास का आत्मा आपके भीतर है और वो बात आप बोल सकते हैं पर बोल नहीं पाते, है ना, घबराते हैं। विश्वास से अब्राहम ने मालूम है क्या बोला, परमेश्वर ने बात करी थी उससे, थैंक यू होली स्पिरिट, परमेश्वर ने उससे बात करी कि तू अपने पुत्र को ले जा और कुर्बान कर दे, किसी मनुष्य ने नहीं कहा था उससे। आप सोच के देखिए, परमेश्वर ने कहा था कि तुझे ले जाना है, और उसके बाद पता है वो अपने सेवकों से क्या कहता है, कहता है तुम यही ठहरे रहो, मैं और मेरा पुत्र जाते हैं और लौट कर वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। हालेलुया,
आप देखिए परमेश्वर ने कह दिया कि आज तुझे कुर्बानी करनी है अपने पुत्र की, पर उसका विश्वास कुछ और ही स्तर पे था, इसीलिए उसे विश्वास का पिता बोला जाता है। उसके पास एक सकारात्मक बात थी और इसी सकारात्मक बात को परमेश्वर ने उठा लिया। उसने कहा ये अपने सेवकों को कह के आया है कि हम आके वापस आएंगे तुम्हारे पास। परमेश्वर ने उस सकारात्मक बात को उठाया, उस विश्वास की बात को उठा लिया, और पता है उसने अब्राहम के बेटे इसहाक की कुर्बानी नहीं होने दी, उसकी जगह एक मेड़ा उसे दे दिया गया। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है। आज कह पा रहे हैं, मैं जानता हूं इस समय जितने लोग यहां बैठे हैं उनके हृदय बड़े उछल रहे हैं, बड़े जागृत हो रहे हैं। क्या ये बातें मेरे हृदय में रह पाएंगी? क्या ये नकारात्मक चीजों से जो मैं आज घिरा हुआ हूं, क्या ये मेरे जीवन से अलग हो पाएंगी? आज मैं कहना चाहता हूं प्रियो, आपका आरंभ बेडौल था, सुनसान था, गहरा अंधियारा था, लेकिन आज से उजियाला लेके जाइए, आज से उजियाले को अपने भीतर लेके जाइए, आज से उजियाले को आपको लेके चलना है। चाहे कितने भी लोग आपके साथ खड़े होके कह दें कि ऐसा हो जाएगा, अनसुना करके अपने भीतर उस शब्द को देखिएगा जो प्रभु ने आपके हृदय में रखा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता हूं। तुम्हारी सोचों को बदल रहा है, तुम्हारे विचारों को बदल रहा है प्रभु। आशाम में प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं उनकी सोचें परिवर्तित करिए प्रभु। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें प्रभु यीशु ये आपको पसंद नहीं थी, इनका हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं। हाँ प्रभु, हमारे घरों में हो सकता है सारी बातें नकारात्मक दिखती हैं, पर कोई तो एक ऐसा होगा जो ये कहेगा कि यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु कुछ भी कर सकता है। आज प्रियो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन लोगों के निमित्त मैं आपसे विनती करने आया हूं, बदल दीजिए परमेश्वर। आज से सकारात्मक बातें देखना आरंभ करें, जीवन में सकारात्मक बातों को लेके आए। वचन जो आपका हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, हम उन बातों की ओर केंद्रित रहे। परिस्थिति कैसे भी खराब क्यों ना हो, बद से बदतर हालात क्यों ना हो प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए कि हम वही आत्मा से बोल सकें उजियाला हो जाएगा प्रभु। पिता हम जानते हैं उजियाला आप कर देंगे। आज चाहते हैं परमेश्वर जो लोग हृदय से इन बातों को ग्रहण कर रहे हैं, अशाम में उनके जीवनों को परिवर्तित कीजिए, अशाम में उनके हृदय से बात करिए प्रभु। हाँ हो सकता है उनके जीवनों में, उनके घर घरानों में, मित्रों में, अजीजों में कोई ऐसी कंडीशन में हो पिता और उसके पास कोई आशा नहीं, सब कुछ नकारात्मक है। आज कहता हूं पिता विश्वास से आप उसके जीवन में उजियाला करिए, आप उसके जीवन का अंधकार मिटा दीजिए, उसके जीवन को सुकून में लेके आइए प्रभु, शांति में लेके आइए। स्पर्श करें पिता, छू लीजिए पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक उड़ेल दीजिए उनके ऊपर। आज से सब कुछ परिवर्तित हो जाए, सब कुछ बदल जाए यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपने चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
परमेश्वर आपको आशीष दे।